ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। हम मुकुट सर आज आपको इंटरनेट में कुछ जानकारी बताएंगे। तो हम यहाँ पे इंटरनेट स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक हमारा इंटरनेट स्टार्ट हो, आप बता दें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को आप देखते रहिए, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो हम यहाँ पे गूगल स्टार्ट कर रहे हैं और हम गूगल में हम डाउनलोड करेंगे आज। कैसे हम डाउनलोड करते हैं? PNG इमेज। तो PNG इमेज जो होता है उसका बैकग्राउंड नहीं होता है, बैकग्राउंड अगर खाली होता है आप उसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे PNG इमेज डाउनलोड करने चल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे इमेज का नाम, जैसे बाल PNG इमेज, और इसी को लिख करके इंटर कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे हमारे ये ट्रांस PNG मतलब ट्रांसपेरेंट इमेज होते हैं, PNG इमेज हमारे आ गए हैं। इसको जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोड करना PNG उस पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुल जाएगा। और जब यहाँ खुल जाएगा तो इसी राइट क्लिक करके हम इसको सेव इमेज एज से सेव कर लेंगे। यहाँ पे इसका नाम लिख करके और सेव कर देंगे। ये हमारा एक इमेज जो है डाउनलोड हो चुका है। इसी प्रकार से हम किसी भी इमेज को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोड करना है उसे क्लिक करके, उसे डायरेक्ट क्लिक करके सेव इमेज एज से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउनलोड करना है तो उसको भी हम यहाँ पर लिख कर सकते हैं गूगल में, और गूगल में लिख करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमको डाउनलोड करना है साइकिल PNG, और यहाँ पे हम ये सब PNG साइकिलें हैं जिसको आसानी से हम डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी साइकिल। इस PNG में जो बैकग्राउंड नहीं होता है इसको आसानी से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा फोटो है। इस PNG इमेज को जब आप ओपन करके देखेंगे प्रीव्यू करके, इसका बैकग्राउंड नहीं होता, इसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे हम फोटोशॉप में करना चाहते हैं, या कहीं वर्ड में, एक्सेल में, हर जगह कर सकते हैं, इसे बैकग्राउंड नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फोटो में बैकग्राउंड ना आए तो आप PNG इमेज का प्रयोग करिए। PNG इमेज आप इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस फोटो को जो है हम लेके चलते हैं फोटोशॉप में, ये देखते हैं, और इसी फोटो को हम लेकर चलते हैं। तो हमारे पास एक फोटो ये है और एक फोटो ये है। ये जो हमारा फोटो है देख रहे हैं यहाँ पर, इसका बैकग्राउंड है सफ़ेद रंग में। ये जो है JPG इमेज, यहाँ लिखा है .jpg, और जो हमारा है PNG इमेज है। अगर यहाँ पे हम इस इमेज का प्रयोग करते हैं इस फोटो में, अगर हम इस इमेज को लेके आते हैं PNG इमेज, बहुत बड़ा इमेज है इसका साइज, ये HD इमेज है पूरा फुल HD, देख रहे हैं हमारा जो PNG इमेज है
इसमें बैकग्राउंड नहीं आया हुआ है, जिसमें बैकग्राउंड नहीं आएगा तो ये पीएनजी इमेज है। और अगर हम यहीं पे जेपीजी इमेज लेते हैं, ये जेपीजी इमेज है जिसमें देख रहे हैं सफ़ेद वाला बैकग्राउंड आ रहा है, तो पीएनजी इमेज जो होता है जिसमें बैकग्राउंड नहीं आता है और जो हमारा जेपीजी होता है इसमें बैकग्राउंड आता है, ये दोनों में अंतर है। जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीएनजी इमेज यहाँ से, जिसमें आपका बैकग्राउंड नहीं आएगा। अगर जेपीजी रहेगा तो बैकग्राउंड आपका आएगा, ये दोनों में अंतर होता है। तो पीएनजी इमेज कैसे डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, ये जानकारी हम आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और नई बड़ी जानकारी के हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। थैंक थोड़ा जी भी जय जय भारत।